काली माता ने पोलानी माता का रूप लेके उन डाइनो को यहाँ से मार के भगाया और अपना राज यहाँ पे बनाया। भाई YouTube हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम है कोई माउंटेन्स के टॉप में जाके एक्सरसाइज कर रहा है, पहली बार हिमालयन हल्क। दोस्तों मैं निकल चुका हूँ अपने घर से और अभी मैं अपने विलेज की मार्केट से निकल रहा हूँ जैसे कि आप देख रहे हैं। और मेरे घर से डलहौजी है 5 किलोमीटर और डलहौजी से डैनकुंड है 13 किलोमीटर। तो दोस्तों पहले पहुँचते हैं डैनकुंड और फिर आगे की बात वहीं पहुँच के करते हैं। यहाँ पे जो गाड़ियाँ सब पार्किंग हो रखी है क्योंकि यही ये जो पॉइंट है जहाँ तक गाड़ियाँ आती हैं और इसके ऊपर फिर ट्रैक करना पड़ता है जो कि 1.52 किलोमीटर के आसपास ट्रैक है और इस गेट से ट्रैक चालू होता है। दोस्तों ये जो पीछे आप देख रहे हो ना ये पूरा टॉप चढ़ के जाना है अभी और उसके आगे भी थोड़ा चलना है तो देख रहे हो यार बड़ा मुश्किल है। दोस्तों हर चीज़ के पीछे ना कोई स्टोरी होती है, वैसे यहाँ की भी एक स्टोरी है। सबसे पहले डैनकुंड वैली, इस वैली का नाम डैनकुंड कैसे पड़ा? अगर आप डैनकुंड को अगर देखेंगे तो दो शब्दों में है, डाइन और कुंड। डाइन का मतलब होता है डाइने भूतनिया, ठीक है, और कुंड का मतलब होता है जहाँ पे नहाते हैं। तो कहते हैं यहाँ के यार जो पुराने ना लोग थे, यहाँ के जो लोकल लोग थे ना, वो इन डाइनों से बहुत परेशान थे, इन भूतनियों से, और वो माता के पास उन्होंने अरदास करी, भक्ति करी कि माता इन डाइनों से पीछा छुड़ाओ। तो काली माता ने पोलानी माता का रूप लेके उन डाइनों को यहाँ से मार के भगाया और अपना राज यहाँ पे बनाया। तो ये है दोस्तों डैनकुंड का मतलब। अभी यार कुछ हद तक टॉप में चढ़ गए, हवा बहुत आ रही है यार, शायद से आवाज़ थोड़ी सी डिस्टर्ब आए उसके लिए सॉरी। बट यार देख रहे हो लोकेशन, देख रहे हो टॉप में है इस टाइम। अभी थोड़ा और ऊपर जाना है, वहाँ से तो और तगड़ी लोकेशन आती है, पूरा देखो खतरनाक व्यू। काफ़ी हवा चल रही है इस टाइम, देख रहे हो हम टॉप में है। अब यहाँ से आप देख रहे हो दूरी सिर्फ 200 मीटर रह गया और यहाँ टॉप ही में है, वो सामने बस मंदिर है और यार एकदम टॉप में कितनी हवा चल रही है इसलिए अगर साउंड खराब हो तो सॉरी, बाकी आप देख सकते हो यार।
आप लोग यार एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूं, एक्चुअली जो माता जहाँ पे मेन प्रकट हुई थी ना, और जहाँ पे ये टेम्पल है, तो यहाँ से 100 मीटर ऊपर एक और छोटी सी चोटी है, वहाँ पे माता प्रकट हुई थी, वहाँ पे मेन उनकी मूर्ति, पहले मूर्ति थी, अब यार मूर्ति हटा के उनके चिन्ह वगैरह रखे हुए हैं, और वहाँ पे औरतों का जाना मना है, लेडीज़ का वहाँ मना है, इसीलिए ये नीचे मंदिर बना रखा है जहाँ पे लेडीज़ हर कोई यहाँ पे दर्शन कर सकता है। यार आपको जो टेंपल दिखाया था वो था, और ये है जो मेरे पीछे है ना, ये है मेन। तो यहाँ पे यार सिर्फ मेल लोग आते हैं, मर्द लोग आके वही माथा टेक के जाते हैं, और यहाँ पे वही यार नीचे जो इसका पर्वत है ना, यहीं से चप्पल खोल के आप भी जूते के साथ ऊपर तक नहीं आ सकते, नीचे से ही आपको उतार के चढ़ना पड़ता है। दर्शन करने के बाद आप पेट पूजा भी कर सकते हैं। मंदिर के नीचे आप देख सकते हैं बहुत सारी शॉप्स आपको मिल जाएंगी। सच बात बताऊँ तो यार मैं मंदिर पे आया था ना, एक्चुअली यार जिमिंग से यार मेरा ना बहुत टाइम हो गया, 3-4 साल हो गए, मैं कंटिन्यू नहीं हो पा रहा हूँ। तो यार मुझे लगा कि आपका नज़र लग गया या किसी ने कुछ होता है, यार आपको पता है 100 नखरे होते हैं, हम लोग 100 चीज़ें मानते हैं। तो मैंने सोचा यार मैं यहाँ पे आता हूँ, माता के यहाँ आशीर्वाद लेता हूँ, अपने डंबल्स भी मैं साथ में लाया था कि उन्हें भी थोड़ा सा उन पर भी धूप टिक्का वो करके माता का आशीर्वाद दिलवा के कि हाँ यार मैं जिम कंटिन्यू हो जाऊँ। तो अभी दोस्त कह रहा है यार यहीं पर जिम मारते हैं ना थोड़ा सा माता के, और अभी पता है सब लोग जा चुके हैं, तो अभी मैंने सोचा यार क्यों ना यहाँ पे थोड़ी देर, हम लोग सनसेट हो रहा है यहीं पे थोड़ी देर जिम करते हैं। तो डंबल्स अपने साथ है, आप मारते हैं थोड़ी देर जिम। दोस्तों यार मजा आ रहा है यार, आज माता के यहाँ पे एक्सरसाइज करके जाऊंगा ना, तो रेगुलर जिम करने की थोड़ी सी यार मोटिवेशन मिलेगी। भाई यूट्यूब हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम है कोई माउंटेन्स के टॉप में जाके एक्सरसाइज कर रहा है, पहली बार हिमालयन हल्क। भाई लोगों जिम में यार मार ली यहाँ पे कम से कम 15-20 मिनट ना, डंबल मार गया, दिल हो गया खुश। तो माता के आशीर्वाद से अपन करेंगे जिम कंटिन्यू। तो दोस्तों होप करता हूँ यार आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी तो यार वीडियो को लाइक करें, दोस्तों फैमिली के साथ शेयर करें, और चैनल को करिए सब्सक्राइब। ठीक है दोस्तों, ऐसी किसी दूसरी बढ़िया वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।